23 अप्रैल की शुरुआत में आपका स्वागत है। सेवा द्वारा खुशी, शक्ति और सर्व की आशीर्वाद प्राप्त करने वाली पुण्य आत्मा भवा। सेवा का प्रत्यक्ष फल खुशी और शक्ति मिलती है। आप किसी की सेवा करो, किसी को मदद करो, आपको ऑटोमेटिकली खुशी और शक्ति मिलेगी एंड स्पिरिचुअल सर्विस में और भी ज़्यादा, क्योंकि सिर्फ उस आत्मा से नहीं मिलती है, आपको परमात्मा से भी मिलती है। तो डबल फोर्स, सेवा करते आत्माओं को बाप के वर्षे का अधिकारी बना देना, ये पुण्य का काम है। परमात्मा से जोड़ना, परमात्मा के द्वारा उनको उनका वर्षा मिलना, खुशी, शांति, सुख, आनंद मिलना, ये बहुत ही पुण्य का काम है। जो पुण्य करता है उसको आशीर्वाद ज़रूर मिलती है। सभी आत्माओं के दिल में जो खुशी के संकल्प पैदा होते हैं वह शुभ संकल्प आशीर्वाद बन जाते हैं। जब वो खुश हो जाते हैं परमात्मा से जुड़ने से, तो ऑटोमेटिकली उनके जो संकल्प होते हैं वही हमारे लिए आशीर्वाद बन जाते हैं और भविष्य भी जमा हो जाता है। इसलिए सदा अपने को सेवाधारी समझ। सेवा का अविनाशी फल खुशी और शक्ति सदा लेते रहो। जितनी सेवा करें उतनी अविनाशी खुशी और अविनाशी शक्ति। औरों की फिजिकल सेवा करने से कुछ समय की खुशी मिलती है जब तक आप कर पाते हो, और शक्तिशाली थोड़ी देर के लिए महसूस करते हो क्योंकि हमने इतना दिया, इतना धन दिया, इतना दान किया। लेकिन अगर कल के दिन ना हो तो फिर वही शक्ति खत्म और वही खुशी खत्म हो जाती है। लेकिन अध्यात्म के द्वारा जब हम स्पिरिचुअल नॉलेज बांटते हैं तो वो खुशी, वो शक्ति हमेशा लंबे समय के लिए रहती है हमारी। ओम शांति।